मिस रैन, आई एम टीचर फ्रॉम दारे अरकम स्कूल डी एच ए एंड शेडले ब्रांच। डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। टूडे आई विल टेल यू अबाउट योर होम टास्क। योर फर्स्ट डायरी इज़ कुरान। खाना खाने के बाद की दुआ। कल हमने ये दुआ जो है याद की थी, आज मैंने आपको दोबारा दे दी है ताकि आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। योर नेक्स्ट डायरी इज़ इंग्लिश। रीडिंग बुक पेज नंबर 23। कल हमने जो है ए एम के साथ जो है फोनिक साउंड जो की जो है हमने प्रैक्टिस की थी, आज हम जो है ए एन के साथ फोनिक साउंड की जो है वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। बी बा ए आ एन न ब अ न पैन। सी ख ए आ एन न कै एन एफ ए आ एन न फै एन एम ए आ एन न मै एन मैन। पी पा ए आ एन न प न पैन। ठीक है, आपने ये लाइन जो है कंप्लीट बड़ी जो है याद करनी है यहाँ तक। ठीक है, वर्क बुक पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 देखिए, यहाँ पर ए डी और ए जी वर्ड्स दिए हुए हैं। हमने ए डी और ए जी वाले वर्ड जो है अपनी रीडिंग बुक में भी पढ़े थे। अब हमने ए डी और ए जी के साथ जो है वर्ड्स बनाने हैं। बी ए डी ब ड बैड ड ड डैड। बी ए जी व ग बैक। ठीक है, ये आपने वर्ड जो है यहाँ पर राइट कर लेने हैं। और ये जो पिक्चर्स इन्होंने दी हुई है आपको, आपने इन पिक्चर्स के अंदर जो है वो कलर्स कर लेने हैं। योर नेक्स्ट स्टडी इज उर्दू। रीडिंग बुक पेज नंबर 1-3। पेज नंबर 1 अलीफ से लेकर पढ़े तक। पेज नंबर 2 दाल से मीम मुर्गी तक। और ये देखिए यहाँ तक जो है आपने पेज नंबर 3 तक ये सारा रिवाइज कर लेना है। उर्दू वर्क बुक पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 आपने अलीफ से लेकर बढ़िया तक जो है वो अलीफ बे लिखी।